अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में अलीफ से लेकर या तक के ऊपर दो जबर लगाकर हर्फ को पढ़े। प्यारे बच्चों, हमने दो जबर वाले हर्फ पढ़े और लिखे। प्यारे बच्चों, आज हम दो जबर वाले हर्फ की मश्क को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सबसे पहला हर्फ है अलिफ, और अलिफ के ऊपर क्या है? जबर। तो हम कैसे पढ़ेंगे? अलिफ जबर अ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर अलिफ जबर अ, बा और बा के ऊपर भी जबर है, तो हम पढ़ेंगे बा जबर ब। दाल, दाल अलिफ और दो जबर, तो कैसे पढ़ेंगे? दाल अलिफ दो जबर दन अबदन। प्यारे बच्चों, अलिफ जबर अ जबर ब, दाल अलिफ दो जबर दन अबदन। इसी तरह हम हर्फ और एराब को समझकर हर्फ को पढ़ेंगे। इसी तरह आगे का हर्फ हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम अलिफ जबर मा, लाम अलिफ दो जबर लन। मीम अलिफ जबर मा, लाम अलिफ दो जबर लन मालन। प्यारे बच्चों, आगे का हर्फ हम पढ़ेंगे स्वाद। स्वाद के ऊपर पेस है, तो हमें पढ़ना है स्वाद पेस सु। हा, हा के ऊपर भी पेश है, तो हमें पढ़ना है हा पेस हु। फा अलीफ दो जबर फन, स्वाद पेस सु, हा पेस हु, फा अलीफ दो जबर फन सुहुफन। प्यारे बच्चों, इसी तरह पूरा हर्फ हम इसी तरह पढ़ेंगे। आगे का हर्फ है कापेस कु, फापेस फु, वाव अलीफ दो जबर वन। कापेस कु, फापेस फु, वाव अलीफ दो जबर वन कुफु वन। इसी तरह आगे का हर्फ है एन, एन के ऊपर, एन के नीचे जेर है, तो हमें कैसे पढ़ना है? अंजेर ई। नून के ऊपर जबर है, तो हमें पढ़ना है नून जबर न। बा अलीफ दो जबर बन, एंजेर ई, नून जबर न, बा अलीफ दो जबर बन ई न बन। प्यारे बच्चों, इसी तरह आगे का हर्फ भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम, मीम के ऊपर जबर है, तो हमें पढ़ना है मीम जबर म। फा अलीफ जबर फा, जा अलिफ दो जबर जन। मीम जबर म, फा अलिफ जबर फा, जा अलिफ दो जबर जन मफा जन। इसी तरह आगे का हर्फ है शीन, शीन के ऊपर जबर है, तो पढ़ना है शीन जबर श। रो अलिफ जबर रा, बा अलिफ दो जबर बन। शीन जबर श, रो अलिफ जबर रा, बा अलिफ दो जबर बन शराबन। इसी तरह आगे का हर्फ है स्वाद, स्वाद के ऊपर जबर है, तो हमें पढ़ना है स्वाद जबर स। अलिफ जबर वा, बा अलिफ दो जबर बन। स्वाद जबर स, वा अलिफ जबर वा, बा अलिफ दो जबर बन सवाबन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इज्जे करना है, जैसे स्वाद जबर स, वा अलिफ जबर वा, बा अलिफ दो जबर बन सवाबन। इसी तरह आगे का हर्फ भी हम पढ़ेंगे। दाल जेर दी, हा अलिफ जबर हा, कफ अलिफ दो जबर कन। दाल जेर दी, हा अलिफ जबर हा, कफ अलिफ दो जबर कन दी हा कन। इसी तरह आगे का हर्फ है खा, खा के नीचे जेर है, तो हमें पढ़ना है खा जेर थी, तो अलिफ जबर ता, अलिफ जबर बन खिताबन। खाजिर खी, तो अलिफ जबर ता, बा अलिफ दो जबर बन खिताबन। इसी तरह आगे का हर्फ है सीन, सीन के ऊपर पेस है, तो हमें पढ़ना है सीन पेस सु, बा अलिफ जबर बा। सीन पेस सु, बा अलिफ जबर बा, सुबा ता अलिफ दो जबर तन सुबा तन। इसी आगे का हर्फ हम
पढ़ेंगे। आगे का हर्फ है शीन। शीन के नीचे लगा हुआ है शीन जे शी। दाल अलीफ जबर दा। दाल अलीफ दो जबर दन। शीन जे शी। दाल अलीफ जबर दा। दाल अलीफ दो जबर दन शिया दन। इसी तरह आगे का हर्फ है नून। नून जबर न। खा के नीचे जेर है, हमें पढ़ना है खा जेर खी। रोज जबर र। ता दो जबर तन। नून जबर न खा जेर खी। रोज जबर र। ता दो जबर तन नखी रतन। इसी तरह आगे का हर्फ है फा। फा अलीफ जबर फा। अब जेर की। हा जबर ह। ता दो जबर तन। फालिफ जबर फा। कब जेर की। हा जबर ह। ता दो जबर तन फा की तन। इसी तरह हमें हर्फ को और एराब को समझकर पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दो जबर वाले हर्फ की मशक को यहाँ पर पढ़ा और समझा। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में दो जबर वाले हर्फ की मशक को एक मर्तबा लिखना है और हमें हमारी अरबी की बुक में भी होमवर्क करना है दो जबर वाले हर्फ की मशक का भी और दो जबर वाले हर्फ की मशक का होमवर्क लिखना भी है। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में और अरबी की बुक में भी होमवर्क एक एक मर्तबा करना है, पढ़ना है और हर्फ को समझना है। इंशाल्लाह आगे के सबक में हम नया सबक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।